अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स की। औरतों में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा यंग खवातीन में खास तौर पर रसौलियाँ होती हैं यूट्रस की बच्चेदानी की। इस टॉपिक की हम पहले ही बात कर चुके हैं, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं इलाज के लिए। हम जो इलाज ऑफर करते हैं ज़ाहिर है उसको एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम जो फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं। ये एक ही दफ़ा इलाज होता है किसी पेशेंट में, जो आमतौर पर लोग आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, तो उसका यही जवाब है कि जब हम एक दफ़ा एम्बोलाइजेशन करते हैं तो जितने भी फाइब्रॉइड यूट्रस में हैं जो नज़र आते हैं, छोटे बड़े जो नहीं भी नज़र आते, सब एक ही दफ़ा कवर हो जाते हैं। और ये जो प्रोसीजर लाइफ में सिर्फ एक ही दफ़ा होता है, दोबारा ये प्रोसीजर कभी नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही दफ़ा करने से फाइब्रॉइड्स सारे कवर हो जाते हैं। ये तरीका इलाज सर्जरी से बहुत बेहतर है, क्योंकि सर्जरी में आप एक निकाल लेंगे, दो निकाल लेंगे, और जब बहुत डीप होते हैं फाइब्रॉइड वो सर्जरी से नहीं निकल सकते। और कई सूरतों में जो सर्जरी है वो बच्चादानी के निकलने के भी वजह बन सकते हैं, जिसको हिस्टरेक्टमी बोलते हैं, तो वो रिस्क भी पेशेंट को होता है। साथ में मेजर ऑपरेशन है, जनरल एनेस्थीसिया में होता है, इन्फेक्शन का चांस भी होता है। जो हम प्रोसीजर करते हैं उसमें ना जनरल एनेस्थीसिया होता है, ना इन्फेक्शन का कोई रिस्क होता है, और हम सिर्फ लोकल जो है पेन कंट्रोल और थोड़ी सी नींद की इंजेक्शन बेहोशी करके तो ये ऑपरेशन हो जाता है। तो इस प्रोसीजर काफ़ी लोग आते हैं और उनके कॉमन क्वेश्चन यही होते हैं कि क्या इसमें पेन होगी। जी हाँ, इसमें पेन होती है। ये हम सबको बताते हैं कि इसके मेन जो है ना वजह जो आपने बर्दाश्त कर पेन ही बर्दाश्त करनी है। दूसरा, यंग औरतें हैं जो कि मैरिड हैं और अनमैरिड मन में फर्टिलिटी का रिस्क होता है कि क्या बच्चा दोबारा पैदा हो सकता है, तो यस, एम्बोलाइजेशन के बाद उनके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि ओवरीज उसी तरह होती हैं और यूट्रस भी, उसमें जो मिसकैरेज के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, कि अगर फाइब्रॉइड निकल जाएंगे तो मिसकैरेज नहीं होती। तो काफ़ी पेशेंट्स ने इस प्रोसीजर के बाद हमें बताया कि उनकी प्रेगनेंसी हुई है, उनके बच्चे भी हुए हैं। तो इससे अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है उन पेशेंट्स के लिए जो कि एम्बोलाइजेशन करवाना चाहते हैं। एक वो ऑपरेशन से बच जाएंगे, दूसरा उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हमेशा रहेंगे, और ये प्रोसीजर तकरीबन 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं, और एक दिन हम पेशेंट को रखते हैं पेन कंट्रोल के लिए। उसके बाद जो पेन है ये विद इन वीक सेटल हो जाती है। बहुत यूजुअल अनयूजुअल केसेस में होता है कि 1 वीक से ज़्यादा पेन चले, आमतौर पे लोग सेटल हो जाते हैं। और अब तो हम काफ़ी पेशेंट्स पे कर चुके हैं माशाल्लाह, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं आपको दोबारा अवेयरनेस दे दें कि जो भी कॉमन क्वेश्चन लोगों के, उसका हम जवाब दे दें कि एक ही दफ़ा लाइफ टाइम में होता है और पेन सिर्फ थोड़ी सी होती है, और कोई एनेस्थीसिया, कोई कट, कुछ नहीं है, और प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। थैंक यू जी।